जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छा ही हूँ। डेढ़ महीना हो चुका है कोई वीडियो नहीं बनाई, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि विपिन भाई कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, कब अगली वीडियो आने वाली है। दरअसल यार रीज़न मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में दो मेन हिस्से होंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सांस भी अटकने लग गया भयंकर अब तो बोलने में। दिस विपिन चंद्रमोला ट्रैवलिंग एक्सप्लोरिंग एंड शोइंग माय लाइफ अनफिल्टर्ड टू यू गाइस। तो पहली कहानी है दिवाली कार्निवल की, जो कि दिवाली के कुछ दिन पहले हुआ था ग्राफिक डीम टू बी यूनिवर्सिटी में। मैं बहुत एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए, क्योंकि यार ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं पूरे, हमने अभी तक ग्राफिक्स तो देखा नहीं, नसीब में वो है नहीं। जब मुझे पता चला कि दिवाली कार्निवल हो रहा है तो मैंने सोचा ये मौका मिस नहीं करेंगे, और खुशी खुशी मैं निकल पड़ा दिवाली कार्निवल की तरफ। तुम भी चलो भाई। बिना किसी देरी के हम पहुंच चुके हैं ग्राफिक डीम टू बी यूनिवर्सिटी, और हमारे साथ यहाँ पे हैं तुषार सिंह स्टीवन राइडर और हमारे अंशुमान रतोड़ी भाई, और यहाँ पे देवाशीष की शादी की तैयारियाँ चल रही है। हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? I'm very nervous. By the way, I have not eaten anything since morning, and my stomach is aching. इनकी बहू भागने की तैयारी में हमारे साथ। एक होती है भीड़, और एक होती है भीड़ into 100. तो वो भीड़ into 100 थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इस वीडियो को फिलहाल ना देखें, आप मेरे चैनल पे कुछ मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं उन्हें देखें, जैसे कि ग्राफिक का टूर हिल यूनिवर्सिटी का, और कूलेस्ट वे टू गो दलाई हिल्स, या फिर जॉर्ज एवरेस्ट द सिनेमैटिक स्टोरी, ऐसी वीडियोस आप देखें और फिर इस वीडियो में आए, क्योंकि ये वीडियो अपडेट के पर्पज से है तो आप समझ सकते हो थोड़ा बोरिंग सी होगी। अब भीड़ तो आपने देखी ली, अगर आप मुझे जानते हो, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हो तो आपको पता होगा कि विपिन भाई पब्लिक में ब्लॉग करने से घबराते हैं, और इतनी भीड़ में यार ब्लॉग के फ़ोन तक हाथ पे नहीं पकड़ा जा रहा था, इतनी भीड़ थी, यहाँ से धक्का वहाँ से धक्का, भाई धक्के ही धक्के, तो यहाँ तो ब्लॉगिंग क्या ही होनी थी। तो बस मेरे पास वीडियोस हैं, मैं उनको आपको दिखाऊंगा, और मैंने चेक भी किया कि सारी वीडियोस में कॉपीराइट आ रहा था, तो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें चेंज करना पड़ेगा। और चिंता मत करो यार, आप बस एक हाथ कमेंट कर देना, मैं इन सारी वीडियोस को मर्ज करके एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर उस पर फिर बाद में कभी कुछ दिक्कत होती है तो मैं उसे डिलीट भी कर सकता हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहले तो एक हाथ नॉर्मल परफॉर्मेंस हुई जो कि आप अपने स्क्रीन पर देखने वाले हैं। फिर आई दो लड़कियां डांस करने हैं, और उन्होंने जो स्टेज पे आग लगाई है, और जो आग लगाई है देखिए, और इतना ही नहीं डांस ही डांस नहीं हुआ भाई, वहाँ सिंगर्स भी बहुत सारे थे। पर्सनली जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे सूट साड़ी और ट्रेडिशनल्स में लड़कियां ज़्यादा पसंद आती है। उस दिन इंद्रदेव मुझ पर कुछ ज़्यादा मेहरबान थे। इसके बाद हुआ एक रैंप वॉक ट्रेडिशनल वेयर के साथ, मेल फीमेल बोथ। एक एक करके जब वो स्टेज पे आए तो ऐसा लग रहा था कि इंद्रदेव ने स्वर्ग से अप्सराएं भेज दी है। तो आप देखिए इंद्रदेव द्वारा भेजी गई स्वर्ग की अप्सराएं एट ग्राफिक डीम टू यूनिवर्सिटी।
आपकी स्क्रीन पर। और जब इन्होंने यूं करके अपना घूंघट गिराया तो जो भीड़ में सबसे ज्यादा आवाज आ रही है ना वो मेरी होगी, मुझे पता है आप पहचान जाओगे। उसके बाद थोड़ी और डांस परफॉर्मेंसेस हुई, और इसके बाद शुरू हुई एक वेस्टर्न वॉक। अब मैं ठहरा ट्रेडिशनल पसंद करने वाला बंदा, तो आप समझ ही सकते हो मुझे क्या ही मजा आया होगा। लेकिन आप लोगों से मोहब्बत ही हमें इतनी है कि आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड जरूर किया, तो वो अब आप आगे देखें। भैया अभी हम आ चुके हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने, क्योंकि भाई साहब मेरी कमर, मेरी गर्दन, मेरे पैर सब कुछ दर्द हो रहा है। हम अभी बाहर इसलिए आए, एक तो रेस्ट करना और दूसरी बात अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो लाइटें वाइटें खुल चुकी है, तो जैकेट वैकेट पहननी है तो जैकेट पहनते हैं लेकिन अपने स्टाइल में। तो भाई अब लग रहा है थोड़ा गर्म गर्म। ओ भैया हमने जूते जाते उतार दिए क्योंकि शो खत्म हो चुका है, हमने सोचा अंदर जाएंगे पर अब कोई फायदा नहीं है, सब बाहर आ चुके हैं। देख लो भाई तुम्हारे रिश्तेदार कोई घूम रहा होगा यहाँ। अभी हम पहुंच चुके हैं बुद्ध टेम्पल के थोड़ा पास और देवाशीष भाई मुझे लाया है कहीं लाफिंग खाने, मुझे नहीं पता है क्या होता है। भैया हम यहाँ से निकल चुके हैं और मुझे वो लाफिंग लग रहा था, हा 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 वाला लाफिंग, लेकिन LAPHING था। खैर ऐसा होता है, लेकिन 10 मेरी तरफ से 10 में से 6-7 नंबर देवाशीष भाई को लेकिन बहुत पसंद है, 10 में से 20 भाई। लेकिन मैंने अब कहा कि आप पराठे खाने चलेंगे। तो अब जब पेट पूजा हो गई थी तो इसके बाद हम घर निकल गए थे और इसी के साथ ही कार्यक्रम खत्म होता है। इन दिनों में आपने काफी कुछ चीजें मिस की, तो उन बातों पे आप गौर फरमाइए, तब तक मैं आगे एक कहानी तैयार करता हूँ। तो सबसे पहला अपडेट तो यही है कि हमारे फोन के चिथड़े चिथड़े उठ चुके हैं, और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि आज से पहले इतनी बार इतनी हाइट से गिरा है ना, वो भी बिना टेम्पर्ड ग्लास और बिना कवर के, तब तो सो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार देखो बिल्कुल सेफ्टी के साथ गिरा और फिर भी मेन स्क्रीन टूटी है कसम से, और मैंने टेम्पर्ड ग्लास निकाल के भी देखा एक बार। और दूसरा अपडेट ये है कि जो मैंने कुछ महीने पहले एक माइक लिया था स्टोरी टेलिंग पर्पस के लिए, वो मेरे नए लैपटॉप पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब नुकसान होने की भी एक हद होती है यार, 1000 रुपये की चपत। और एकमात्र अच्छा अपडेट ये है कि आपके भाई के पास आ चुकी है रिंग लाइट। तो अब बात करते हैं कि मैं इतने टाइम से था कहाँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे ही हमारी दिवालियों की छुट्टियां ख़त्म हुई वैसे ही इंटरनल शुरू हो गए, फाइल्स का प्रेशर बढ़ गया और देखते देखते एंटम्स आ गए। और इतना ही नहीं, 10 दिसंबर को हमारे थ्योरी एग्ज़ाम हुए थे ख़त्म, मैंने घर आते ही वीडियो बनाना शुरू की थी, लेकिन उसी दिन जैसे मैंने 2-3 वीडियो शूट की इंटर वाले पार्ट की,
उतने में हमें नोटिस आता है हमारे एंड टर्म प्रैक्टिकल शेड्यूल का। और उस दिन मैंने अपना दुख व्यक्त भी किया था इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर तो आप फॉलो करते नहीं तो कर लो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरा नाम सर्च भी करोगे इंस्टाग्राम पर तो मैं आपको मिल ही जाऊँगा। 17 को मेरे एंड टर्म के प्रैक्टिकल खत्म हुए, 18 और 19 को हमारा मिनी प्रोजेक्ट था जो कि मेरा बनने पाया तो मैंने मीटिंग अटेंड भी नहीं की, और 19 की शाम को मैं निकल पड़ा घूमने। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हमें तैयार, और मुझे लगता है लेकिन कि इसमें मुझे ठंड लगने वाली है तो हीरो बन के कोई फ़ायदा नहीं है, तो अंदर चल के पहले जैकेट पहनते हैं इसके बाहर से और फिर डायरेक्ट चलेंगे मनोज और अज्ञान। मेरे साथ था मनोज जो कि आपने दिवाली वाली वीडियो में भी देखा होगा। तो हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम मेले में जाएंगे, यहीं रायपुर साइड एक मेला लगा हुआ है तो हम वहाँ गए, और वहाँ की कहानी कुछ ऐसी है। विपिन चंद्रमोला की वीडियो देख रहे हो और विपिन गया है मेले में, ऐसे में विपिन चरखी में ना बैठे ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात है, तो हम बैठे चरखी में। और चरखी में एक पॉइंट होता है जब चरखी घूम रही होती है और जब आप नीचे आते हो ना तो उस समय जो वेटलेसनेस फील होती है वो यहाँ पे जो गुदगुदी करती है वो देखें आप। इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी ख़त्म करना चाहूँगा, हम मिलेंगे अगली किसी अच्छी खासी वीडियो में, इसके आगे भी कुछ है नहीं तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दिस इज विपिन चंद्रमोलो साइनिंग ऑफ, टिल देन सन रेडियोस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, मेरा नाम विपिन है, हम आए थे गुजरावाली के मेले में, हम अभी चरखी में बैठे हैं और यहाँ कहानी ऐसी है। हाउ इज द जस्ट कैप्टन? ओए